वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन रिवीजन टूर के एमसीक्यू क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसका कोड है 083, जिसका पेपर है 22 दिसंबर को। तो ये वीडियो टर्म वन के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। पाइथन रिवीजन टूर के सबसे ज्यादा यूनिट है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जितनी भी यहाँ पर वीडियो आएंगी आप उसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई इनवैलिड वेरिएबल नेम आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके लिए बहुत जरूरी है जानना कि यार वेरिएबल वैलिड क्या होते हैं और इनवैलिड क्या होते हैं। तो मैं आपको समराइज करके बता देता हूं कुछ, ये सही वेरिएबल है और ये गलत वेरिएबल है। वेरिएबल का पहला रूल ये होता है, वेरिएबल कहता है कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब 1, 2, 3 ए नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है। दूसरा वो ये कहता है कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं, लाइक एट द रेट, हैज, स्ट्रिक, इस टाइप के वेरिएबल नहीं हो सकते हैं। तीसरा ये कहता है व्हाइट स्पेस आर नॉट अलाउड, मतलब ए स्पेस बी नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है। चौथा ये कहता है कि डू नॉट यूज कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम। कीवर्ड क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड होते हैं जिनकी पहले से ही कोई मीनिंग है, लाइक इफ, एल्स, तो फॉर, व्हाइल, तो बहुत सारे कीवर्ड हैं 28 या 32 तक, ठीक है, तो आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। तो भाई कर क्या सकते हैं हम, ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं, हम बना सकते हैं ए अंडर स्कोर बी। मतलब अब आप कहेंगे क्या सर अंडर स्कोर हमारा स्पेशल कैरेक्टर नहीं है? जी हाँ, ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं है बिकॉज कंपाइलर इसे रीड नहीं करता है, तो इसलिए आप इसको यूज एज ए वेरिएबल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अंडर स्कोर ए नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, ए वन नाम का आपका वेरिएबल हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, बाद में आ सकता है, बीच में आ सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं कैपिटल का फॉर लिख सकता हूं क्योंकि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर ये स्मॉल होता फॉर पूरा तो तब ये वेरिएबल की तरह यूज नहीं होता। अभी एफ क्या है, यहाँ पर कैपिटल है, तो यहाँ पर केस क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो स्मॉल और कैपिटल का यहाँ पर डिफरेंस है। तो आपको समझ में आ गया है नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, तो आप यहां पर भी समझ गए होंगे आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई इनवैलिड वेरिएबल नेम आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए आंसर ये होगा, बी आई जी कोई कीवर्ड नहीं है, प्रोडक्ट कोई कीवर्ड नहीं है, वाइल कीवर्ड नहीं है। अगर ये स्मॉल का होता डब्ल्यू तब ये कीवर्ड हो जाता, तो आपने ध्यान रखना है बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो 1, 2, 3 सैलरी सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इसी टाइप का है, आइडेंटिफाई इनवैलिड वेरिएबल नेम आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फॉर हो सकता है, वेरिएबल का नेम हो सकता है फॉर, क्योंकि ये कैपिटल का एफ है इसमें, ठीक है। इधर क्या है, हाइफन सैलरी, तो हाइफन सैलरी क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसलिए आंसर ये होगा, सैलरी 1, 2 हो सकता है, क्यों, क्योंकि बाद में नंबर आ रहा है, पहले नहीं आ सकता है, बाद में तो आ सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो यहां पर इनवैलिड क्या था, सेकेंड हाइफन सैलरी। अगर यहाँ पर अंडरस्कोर होता तो ये भी गलत नहीं होता फिर, क्योंकि अंडरस्कोर को कंपाइलर रीड नहीं करता है। नेक्स्ट है, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो माय नेम नाम का हो सकता है, ट्रू क्या है, कीवर्ड है, ट्रू, फॉल्स, पास, ये क्या है, सारे कीवर्ड है, तो आंसर ये होगा, ND2 नेम हो सकता है, My underscore name हो सकता है, तो आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप की वैरायटी मिलेगी आपको। पहला क्वेश्चन यही होता है, वैरायटी अलग अलग होगी, तो तीन क्वेश्चन में मैंने आपके लिए यहाँ पर कवर कर दिया है, तो आप बहुत सारी चीजों को यहाँ पर समझ गए होंगे, तो जितना भी घूम फिरा के आएगा क्वेश्चन तो आप शायद समझ जाएंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन, ठीक है, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में होता है, ठीक है। एंड जो होता है लॉजिकल कैटेगरी का होता है, और लेस जो होता है रिलेशनल का होता है, ठीक है। इसको अगर मैं छोड़ भी दूं, आपको ये भी बतानी है, तो ये भी मैथमेटिक्स का नहीं होता है, ये है अर्थमेटिक का, ठीक है, अर्थमेटिक का ये है, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है,
डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है और फ्लो डिवीजन होता है, मॉड्यूलस होता है, ठीक है। तो ये छह होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, आपको कैटेगरी भी पता होनी चाहिए। तो वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर कह रहा है, तो वैलिड अर्थमेटिक क्या है, आपका फ्लो डिवीजन है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। सॉरी, इसमें एक और ऑपरेटर होगा अर्थमेटिक में, एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है, अगर ऐसा लिखा है 2 एक्सपोनेंट 3, तो इसका मतलब है 2 रेज टू पावर 3, तो यहां पर हो जाएगा आंसर 8। तो यहां पर कौन सा होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। ये रिलेशनल की कैटेगरी है, ये लॉजिकल की कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड ऑपरेटर इन पाइथन। तो ये जो पहला वाला है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, दूसरा जो है बिटवाइज है, और थर्ड है मेंबरशिप ऑपरेटर। फोर्थ, यहां पर कोई ऑपरेटर नहीं होता है, यहां पर एंड के लिए ए एंड ही होता है, ठीक है। ये वाला एंड यहां पर नहीं होता है, तो यहां पर इनवैलिड ऑपरेटर आपका यही होगा, जो आपका आंसर होगा फोर्थ होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इज, इसमें लिखा है प्रिंट 40, 50, 60, SEP। एसईपी का मतलब होता है सेपरेटर, इक्वल टू, नॉट का साइन लगाया है, एंड में लगाया है कॉमा। तो ये कह रहा है कि यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहला है 40, 50, 60 और नॉट का साइन, 40 नॉट 50 नॉट 60 नॉट, ठीक है। तो देखो इसमें जो आपका आंसर होगा वो कैसे होगा, ठीक है। यहां पर लिखा है सेपरेटर, सेपरेटर क्या करता है, हर एक कैरेक्टर के बाद आपका वो ये सेपरेटर यूज हो जाता है। तो 40 के बाद ये नॉट का साइन आएगा, 50 के बाद नॉट का साइन आएगा, 60 के बाद नॉट का साइन होगा, और फिर जब वो लास्ट होगा तो लास्ट में आएगा कॉमा। तो ऐसी चीज जो हमें मिल रही है वो थर्ड क्वेश्चन में ही मिल रही है, थर्ड में ही मिल रही है। तो 40 के बाद नॉट का साइन, 50 के बाद नॉट का साइन, 60 के बाद एंड हो रहा है तो एंड के बाद आ रहा है कॉमा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। जो हमारा आंसर है सही है वो थर्ड है। ओके, अगला है एट्थ क्वेश्चन, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनवैलिड आइडेंटिफायर गलत कौन सा है, नन तो इनवैलिड नहीं है, एड्रेस भी नहीं है, नेम भी नहीं है, पास इनवैलिड है, बिकॉज ये क्या है, कीवर्ड है, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम। तो डी इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर नन तो एक कीवर्ड है, अगर नन का एन कैपिटल होता तब ये क्या होता है, कीवर्ड होता। अब नाइंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्लस तो हो सकता है यूज कॉन्कैटिनेशन के लिए, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, एन यूज हो सकता है मेंबरशिप में चेक करने के लिए कि ये कैरेक्टर यहाँ पर है या नहीं है, मल्टीप्लाई यूज हो सकता है रेप्लिकेशन के लिए, रिपीट करने के लिए। अगर आपने लिख दिया दीपक डबल कोट्स में और N2 3 लिख दिया, तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो रेप्लीकेट हो जाएगी 3 टाइम, दीपक 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 आ जाएगा, ठीक है। प्लस कर दिया दीपक प्लस ध्यानी कर दिया तो दीपक ध्यानी जुड़ जाएगा, तो आपका डिवाइड यहां पर कोई यूज नहीं होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं हो सकता है, डिवाइड वाला नहीं हो सकता है, जो आंसर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए पाइथन फाइल। तो ये तो बहुत ही आसान सा है, .py एक्सटेंशन होता है पाइथन का। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड इन पाइथन फॉर कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, जो आपका कंपाइलर रीड नहीं करता है। तो डॉलर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, एट द रेट भी नहीं होता है, सी भी नहीं हो सकता है, डबल स्लैश नहीं होते हैं यहाँ पर, और दूसरी लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, और यहाँ पर जो होता है वो होता है डी, सिंगल लाइन कमेंट हम इसे कहते हैं। अगर मल्टी लाइन कमेंट की बात होती तो आप ट्रिपल टाइम सिंगल कोट्स भी लगा सकते थे, ट्रिपल टाइम डबल कोट्स भी आप लगा सकते थे, ठीक है। तो अभी आपने इतना ही सीखना है, जो है जो वो सिंगल लाइन है, और जो 3 टाइम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा रहे हैं ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। तो आपने और भी चीजों का ध्यान यहाँ पर रखना है, मैं आपको लेवल से ऊपर भी बता रहा हूँ, जो यहाँ पर है
वो भी बता रहा हूँ, जो नहीं है वो भी बता दिया। अगर यहाँ पर ये लगे होते तो आपने ये भी समझना था, ये भी कमेंट है। कमेंट क्या है? जो आपका कंपाइलर रीड नहीं कर रहा है। तो दो ही टाइप के कमेंट होते हैं हर एक लैंग्वेज में, सिंगल लाइन मल्टी लाइन। तो ये सिंगल है और ये मल्टी है। तो आंसर है अभी डी। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर, कौन सा नहीं है वैलिड आइडेंटिफायर। देखो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि इसको कंपाइलर रीड नहीं करता है। सम 1 2 3 हो सकता है क्योंकि जो डिजिट है वो बाद में है। नम ये वाला जो साइन है यहाँ पर यूज नहीं हो सकता है बिकॉज ये क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर का पार्ट है। तो एक क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो आंसर होगा आपका सी। तो नेम _1 तो हो सकता है बिकॉज कंपाइलर कांट रीड द _sign। तो ये बहुत सही हो गया। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीवर्ड दैट हैज प्री डिफाइंड मीनिंग। ठीक है, पाइथन की कोई प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं है, डेटा टाइप की कोई प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं है, मतलब डेटा टाइप नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, डेटा टाइप होता है बट उस नाम का कोई कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। ग्लोबल बिल्कुल एक कीवर्ड है। ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आउटसाइड वेरिएबल होते हैं या उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। एनीवन कैन एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल नाम का एक कीवर्ड होता है, तो इसकी प्री डिफाइंड मीनिंग है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इस टाइप का अगर आपको मिलते हैं तो आपने ध्यान से देखना है। देखो आपका जो आई इनिशियलाइज हो रहा है वो 2 से इनिशियलाइज हो रहा है और कहां तक जाना है इसने, 10 तक। तो लेस देन 10 लिखा है, इक्वल टू नहीं लगाया है। ठीक है, अब आप इसको अंदर जाके देखो, इफ आई इक्वल इक्वल 6 होता है तो वहां पर क्या हो जाए, ब्रेक। ठीक है, और प्रिंट आई i = i+2, तो दो दो का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले i की वैल्यू हुई 2। ठीक है, कंपैरिजन शुरू हुआ 2 less 10, कंडीशन इज ट्रू। तो ये चेक करेगा क्या 2 = 6 होता है, नहीं होता है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। अभी ब्रेक क्या करता है, इसको डायरेक्टली रोक देता है, ब्रेक कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो अब आपका प्रिंट i क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, 2 में 2 जुड़ जाएगा, आई को मिल जाएगा 4। 4 10 से छोटा होता है, 4 less 10, कंडीशन इज ट्रू। तो यहां पर चेक करेगा 4 = 6, नो, तो ये बाहर आएगा, प्रिंट आई हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब आई की वैल्यू होगी 6, 6 होगी, 6 less 10 है, कंडीशन इज ट्रू। आई की वैल्यू क्या है, 6 = 6 होगा, और अब क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फोर्सफुली रोक दिया जाएगा। तो अब आपका क्या आंसर होना चाहिए, अभी तक जो मेरा निकल के आ रहा है प्रिंट होके 2 4 आ रहा है। तो क्या जो हमें दिए गए हैं आंसर वो ऐसे हैं? यस बिल्कुल हैं। जो हमें मिल रहा है वो ए में है, 2,4। 2,3 नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पर जो हमारा गैप है वो 2 2 के ऑर्डर में है। तो 2 के बाद 2 जुड़ेगा तब 4 होगा, तो 3 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कुछ आंसर ऐसे होते हैं ना, आप उनको सबसे पहले हटा सकते हो, बिल्कुल उनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, 2 3 4 6 इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ 2 4 6 हो सकता था, थोड़ी सा अगर बच्चा कंफ्यूज है तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ब्रेक क्या है, एक जंप स्टेटमेंट है और ये आपके लूप को रोक देता है। अगर यहाँ पर कंटिन्यू होता, कंटिन्यू क्या करता, उस कंडीशन को, स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप कर देता और बाकी के नंबर प्रिंट करा देता। अगर कंटिन्यू लिखा होता तो आंसर आता 2 4 8 तक आ जाता, क्योंकि 10 तो ऐसे भी नहीं आता। उसने 6 को क्या कर देता, स्किप कर देता और बाकी का पार्ट चला देता। तो यही डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक क्या कर देता है, जो भी कंडीशन उसको मिलती है वहां पर रोक देता है, और कंटिन्यू उससे आगे चला देता है। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आया वो ए निकल के आया। तो आराम से करना काम, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना, ध्यान से पढ़ो तब सॉल्व करो, पेंसिल ले लो अपना आराम से चलाते रहो। ओके 15th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज यूज फॉर द कंडीशन ए लूप इज टू बी रिपीटेटेड 30 टाइम्स। कौन सा स्टेटमेंट 30 बार रिपीट होगा। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 0,30। एक चीज का ध्यान रखना लूप में, ये जो अपर लिमिट होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना 0,30, ये जो 30 होती है ये क्या होती है, अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट कभी भी कंसिडर नहीं होती है, इससे एक कम चलता है आपका लूप, तो आपका लूप जो चलेगा 29 तक चलेगा। ठीक है, अब जब आपका लूप चल रहा है 0 से लेके 29 तक,
तो ये ऑटोमेटिकली 30 बार तो जल गया है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही हो गया। दूसरा क्या है, 0,30+1, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट अगर ना भी लिखूं तब भी इंक्रीमेंट 1 का ही होता है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, अब आपका तीसरा है फॉर आई इन रेंज, अब इसको चला दिया 1 से लेके 31 तक। अब आप सोचोगे 31 तक, नहीं, मैंने अभी आपको क्या बताया था, 1,31,1। ठीक है, 1 क्या है, लोअर रेंज, 31 क्या है, अपर रेंज। अपर रेंज कभी भी कंसीडर नहीं होती है, उसे कम चलता है, इट मीन्स जो आपके नंबर आएंगे 1 से लेके 30 तक आएंगे, तो तीसरा भी 1 से लेके 30 तक चलेगा, मतलब 30 टाइम रिपीट होगा, तो सी भी सही है। तो जो इसका आंसर होगा फाइनल, ऑल ऑफ दीज होगा। तो लूप में एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है, फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट होता है या स्टेप वैल्यू होती है 1 की होती है, दूसरा आपकी अपर लिमिट कंसिडर नहीं होती है, उससे एक कम चलता है। बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ये सीखते चलो, जो बेसिक है इनका वो लेते चलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, जो नीचे दिया गया इस कोड का आउटपुट बताना है। ये कह रहा है MUL को 3 वैल्यू दी गई है, और 10 वैल्यू जो दी गई है वैल्यू को दी गई है, ध्यान देना है। फॉर आई इन रेंज, जो आपका लूप चलेगा 1,6,2, जो इसमें 1 है और जो 6 है और जो 2 है, इनको बता देता हूँ। सबसे पहले 1 जो है आपकी लोअर लिमिट है, 6 जो है आपकी अपर लिमिट है, और 2 जो है आपकी स्टेप वैल्यू। दूसरे सरल शब्दों में मैं कह सकता हूँ, ये आपका गैप है। गैप का मतलब आपके जो नंबर जनरेट होंगे, पहले तो आपका अपर लिमिट कंसिडर नहीं होगी, उससे एक कम चलेगा, तो सबसे पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 3 बार आपका लूप चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चल सकता है, क्योंकि आपकी अपर लिमिट क्या है, 6 है, तो 1, फिर 2 का इंक्रीमेंट 3, और 3 में 2 जोड़ दो 5, 5 के बाद 7 होगा, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो लिमिट है 6 ही है, तो आपका 3 बार लूप चलेगा। तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर जब लूप आपकी पहली बार चला, तो आपकी वैल्यू की वैल्यू है 10 और MUL की वैल्यू है 3, तो 10 मॉडुलस 3 का आंसर क्या होता है, मॉडुलस क्या करता है, इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1, 1 इक्वल इक्वल 0, नो नहीं है, तो डेफिनेटली एल्स में जाएगा और यहाँ करा देगा प्रिंट वैल्यू प्लस MUL। अब वैल्यू क्या है आपकी, 10, MUL क्या है आपका, 3, तो आपका पहली बार में आ गया आंसर 13। नेक्स्ट टाइम आपका 1 में 3 ऐड हुआ तो अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू थी, तो वैल्यू की वैल्यू 10 ही है, 10 मॉडुलस 3 का आंसर क्या होगा, 1, 1 इक्वल इक्वल 0 नहीं होता है, तो फिर से एल्स में ही आना है, वैल्यू 10 है, MUL 3 है, तो फिर से आपका आंसर आएगा 13 सेकेंड टाइम में। अब आपकी आई क्यू इंक्रीज होगी, 3 से 5 हो जाएगी, 5 6 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, वैल्यू क्या है, 10 मॉडुलस 3 क्या होगा, 1, 1 इक्वल इक्वल 0 नहीं हो सकता है, अंदर भी नहीं जाएगा, तो एल्स में आएगा, एल्स में आया, वैल्यू 10 है प्लस 3 ऐड कर दीजिए, 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 5 के बाद 7 होने की कोशिश करेगा, बट कंडीशन फॉल्स होने के कारण आपका लूप यहां से एग्जिट कर जाएगा और बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, अब आपका जो भी आंसर थे वो प्रिंट करने की कोशिश करेगा, तो जो हमारे आंसर निकल के आए हैं 13 13 13, 3 बार 13 निकल के आया हुआ है। क्या कोई ऐसा गिवन ऑप्शन है हमारे पास, यस है, बी इज द राइट आंसर, 13 13 13, तो बी सही आंसर है, 13 14 15 नहीं हो सकता है, 3 10 13 नहीं हो सकता है, एरर नहीं हो सकता है, तो ये हमारा आंसर निकल के आया। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लोगों को भी बहुत सारा बेनिफिट मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं 17 क्वेश्चन, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। इधर एक चीज का ध्यान रखना होता है, प्रिसिडेंसी का, ठीक है, प्रिसिडेंसी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होती है ब्रैकेट की होती है, फिर आपकी प्रिसिडेंसी होती है मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, ठीक है, इनकी होती है, फिर होती है प्लस माइनस की। आपने ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस इतना सीख लो, छोटा छोटा सा सीख लो, ज्यादा नहीं सीखना, ठीक है। अब सॉल्व करने की कोशिश हम इसको करते हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन सबकी सेम होती है, सबसे पहले जो भी आपको सही लग रहा है वो कर सकते हो। तो मैं करता हूँ 5 × 3 15, फ्लोर डिवीजन 4 प्लस 6, फ्लोर
फ्लोर डिवीजन 8 माइनस 3 प्लस 9 फ्लोर डिवीजन 3 प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करते हैं, 5 फ्लोर डिवीजन 4 का आंसर क्या होगा, फ्लोर डिवीजन। अब आपके दिमाग में ये भी नहीं हो रहा होगा कि सर फ्लोर डिवीजन क्या होता है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं लिखता हूं 11 डिवाइड बाई 5 और मैं लिखता हूं 11 फ्लोर डिवीजन 5, क्या डिफरेंस है? जो डिवीजन वाला ऑपरेटर होता है ये पॉइंट तक वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जो इसका आंसर आएगा 5.2 आएगा, और यहां पर क्या आएगा 5 2 10, ये डेसिमल तक कैलकुलेशन नहीं करता है, सॉरी यहां पर 2 आना था 2.2, ठीक है, तो यहां पर 2.2। तो एक कंक्लूजन ये निकल के आया, जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ये डेसिमल तक कैलकुलेशन करता है, और जो फ्लोर डिवीजन होता है ये आपका डेसिमल तक कैलकुलेशन नहीं करता है। तो आगे बढ़ता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, सारी चीजें क्लियर करते चल रहे हैं, जो आपको पीछे छूटा है वो सब कवर हो जाएगा, बिल्कुल आराम से देखो वीडियो को, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं, स्किप कर दिया तो सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो 15 फ्लोर डिवीजन 4 का आंसर होगा 4 3 12, अगर 4 4 करूंगा तो 16, तो ये तो हो नहीं पाएगा, तो 4 3 3 आंसर आया, प्लस 6 फ्लोर डिवीजन 8 माइनस 3 प्लस 9 फ्लोर डिवीजन 3 प्लस 7। देखो अब हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, 3 प्लस अब 6 फ्लोर डिवीजन 8 का आंसर क्या आएगा, आपका 0 आएगा, क्योंकि 8 का 6 में डिवाइड नहीं होता है, तो डायरेक्ट 0 आ गया, 0 माइनस 3 प्लस, अब देखो 9 फ्लोर डिवीजन 3 का आंसर आएगा, 3 3 जा 9, तो 3 आ जाएगा प्लस 7, ठीक है। अगला स्टेप देखो, पहले प्लस प्लस को एक कर लेते हैं, 3 3 6 और 7 13, 13 में से 3 कम कर दो, आपका आंसर आएगा 10, 10 आंसर आ रहा है, तो सी वाला सही है, तो सी इज द राइट आंसर। देखो स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, एक नंबर का सवाल है आपके लिए, तो आराम से करो, बहुत आराम से करो, सारी चीजों को देखो तब करना है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ऐसा ही सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 18 क्वेश्चन, राइट द वैल्यू दैट विल बी असाइन टू वेरिएबल एक्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी से। देखो प्रेसिडेंस के आधार पर ही होगा यहाँ पर भी, तो 3 प्लस 36 डिवाइड बाय 12 प्लस 2 इंटू 5, तो इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 12 3 जा तो 3 आ गया इधर, प्लस 2 इंटू 5 का आंसर लिख देता हूं मैं 10, डायरेक्ट कर लेते हैं, तो जो आपका आ रहा है 10 प्लस 3 13 और 3 16, तो ए इज द राइट आंसर। तो छोटे से क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी कभी थोड़ी सा बड़ा भी आ सकता है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 19 क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने क्या करना है, बड़े ही आराम से देखना है। तो एन की वैल्यू सबसे पहले है 4, एफ की वैल्यू 1, ठीक है। अब आपको व्हाइल लूप आता है, अब यहां पर ये कह रहा है एन ग्रेटर 0, एन की वैल्यू सबसे पहले क्या है 4, 4 ग्रेटर 0 है, यस कंडीशन इज ट्रू, आपका लूप अंदर जाएगा। एफ की वैल्यू क्या थी 1, एन की वैल्यू क्या थी 4, तो 1 इंटू 4 हुआ, एफ को मिल गया है अभी 4, ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइम एन की वैल्यू क्या थी 4 थी, 4 में से 1 डिक्रीज हो गया, तो एन की वैल्यू हो गई है इस टाइम 3, तो अब ऊपर जाएगा फिर से, यहाँ चेक होगी कंडीशन, अभी भी 3 क्या है 0 से ग्रेटर है, लूप अंदर आएगा। एफ की लास्ट टाइम वैल्यू थी 4, 4 इंटू 3, तो आपकी एफ की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है, 4 इंटू 3 का आंसर होगा 12, एफ की वैल्यू हो गई 12, एन की वैल्यू लास्ट टाइम थी 3, 3 में से 1 कम कर दिया है, तो आंसर आ गया 2, एन की वैल्यू अब हो गई है 2, अभी 2 0 से अभी भी बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू, एफ की वैल्यू लास्ट टाइम थी 12 और एन की वैल्यू हो गई है अभी 2, 12 इंटू 2 24, ठीक है, तो 24 हो गई है एफ की वैल्यू, एन की वैल्यू लास्ट टाइम थी 2, 2 में से आपने एक डिक्रीज किया, तो आपका एन हो गया है 1, ठीक है, एन 1 अभी भी 0 से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया एफ की वैल्यू लास्ट टाइम थी 24 और एन की वैल्यू अभी होके आई है 1, 24 इंटू 1 24, एफ की वैल्यू हो गई है 24, एन की वैल्यू लास्ट टाइम थी 1, तो 1 में से 1 लेस हुआ,
तो आपका एन हो गया है जीरो। अब देखिए यहां पर जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है। अगर आपका लूप ही सही नहीं है तो अंदर भी एंट्री नहीं होगी, कंडीशन ही गलत हो गई तो आपकी एंट्री नहीं होगा। तो एंट्री अंदर नहीं होगी तो आपका लूप एग्जिट करेगा और बाहर आएगा और प्रिंट एफ हो जाएगा, और एफ की हमारी लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी, 24। तो कोई है ऐसा? यस, 24 है, ए इज द राइट आंसर। गाइस आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको ड्राई रन आना चाहिए, तो आप थोड़ी सा प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से देखिए, ये सारी चीजों को करते रहो, ड्राई रन कहते हैं इसको, आराम से करो। ओके, आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चन को भी आराम से देखो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? एन की वैल्यू सबसे पहले है 156, एफ की वैल्यू है 0, एक्स की वैल्यू है 0। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, एन ग्रेटर 3। तो एन क्या है, 156, 156 ग्रेटर 3, यस कंडीशन इज ट्रू। अंदर गया, उसने क्या कहा, आर इक्वल टू एन मॉडुलस 100। अब आपका देखो एन क्या है, 156 मॉडुलस 100, ठीक है, तो 100 बन जा 100, तो बच कितना गया यहां से, 56। तो जो आर को मिल गया, मतलब रिमाइंडर मिल गया, वो 56 मिल गया। ओके, तो ये फिर क्या कह रहा है, इफ करो, कह रहा है 56, आर 56 है, मॉड्यूलस 2, 56 मॉड्यूलस 2 का आंसर होगा 0। तो 0 नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है भाई, ये तो ट्रू है, तो ये कहां चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस इक्वल टू आर। अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि एक्स प्लस इक्वल टू आर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आर, ठीक है, और आपके x की वैल्यू क्या थी, 0, 0 प्लस r, r की वैल्यू क्या है, 56, तो 0 प्लस 56 को अगर ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 56, ठीक है, तो इतना हमारी बात समझ में आ गई है। ओके, अब देखो फिर इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद कुछ नहीं होना है, n की वैल्यू है 156, ठीक है, अभी n उतना ही है, अभी ये स्टेप को कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप काम करता है, तो n 156 डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 होगा, तो 100 बन जा 100, तो आंसर आएगा 1। अब 1, n की वैल्यू 1 हो गई है, फिर ये यहां से बैक होगा लूप में, ठीक है, अब 1 ग्रेटर 3 नहीं होता है, 3 से बड़ा नहीं होता है, तो आपका अभी लूप क्या हो जाएगा, यहां से टर्मिनेट हो जाएगा और आपका लूप बाहर आ जाएगा, प्रिंट वाली लाइन को रीड करेगा, एफ की वैल्यू क्या थी, 0, 0 माइनस एक्स, एक्स क्या था आपका, 56, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी माइनस 56 इज द राइट आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप करो, आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ए की वैल्यू है 3 और ए लेस 12, ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं, प्रिंट ए एंड लिखा है तो आराम से करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू 3, 3 12 से क्या है, छोटा है, कंडीशन है ट्रू, तो प्रिंट ए हो जाएगा 3, और फिर उसके बाद से लग जाएगा स्पेस आ जाएगा, क्योंकि एंड में क्या लिखा गया, खाली स्पेस लिखा गया है, तो 3 आ गया। फिर ए में क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो 3 से 5 हो गया, ए की वैल्यू हो गई 5, तो लूप फिर से यहां जाएगा, 5 लेस 12, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर आएगा, प्रिंट ए हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट टाइम 5 में 2 ऐड हुआ, 7 हो गया, ए को 7 मिला, 7 12 से लेस है तो आपका 7 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 2 और ऐड हो गया तो 9 हो गया, 9 12 से लेस है, कंडीशन इज ट्रू, तो आपका 9 आ गया। नेक्स्ट टाइम 2 और ऐड हुआ, 11 हो गया, कंडीशन ट्रू है, तो 11 लेस 12 होता है, कंडीशन इज ट्रू, तो 11 आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम 13 भी होगा, बट 13 लेस 12 नहीं हो सकता है, कंडीशन इज फॉल्स। तो कुछ हमारे पास ऐसा है क्या, 3 5 7 9 11, अगर ऐसा है तो आंसर सही है, यस सी इज द राइट आंसर, ऐसा है, ठीक है। तो इससे देख के वैसे भी पता चल रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और 2 2 का गैप है और जाना है 12 तक, ठीक है, तो 3 5 7 9 11, 11 के बाद 13 होगा, तो 13 नहीं हो सकता क्योंकि
आपका जो लूप है वो 12 तक ही है। तो एक तो ये भी था, अगर आपको थोड़ी सा ज्यादा पता है, अगर आपको कम भी पता है तो स्टेप बाय स्टेप चलाओ, आइट्रेट करो, नो टेंशन। तो जो आपका आंसर होगा सी होगा। ओके, आपका 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो अगला है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। सबसे पहले क्या है, एक्स की वैल्यू है 1, ठीक है। फॉर आई इन रेन 1, 2, 7 और कॉमा 2। अब फिर से आपको याद दिला देता हूं, 1 जो है लोअर रेंज है, 7 जो है अपर रेंज है, और 2 जो है स्टेप वैल्यू या गैप भी कह सकते हैं सरल शब्दों में, ठीक है। तो आपका जो लूप चलेगा कैसे चलेगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 5, बिकॉज ये 7 को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक। अब मैं जो आपके एक्सप्रेशन को थोड़ी सा आसान बना देता हूं, इसमें लिखा है एक्स प्लस इक्वल टू आई प्लस 2, तो इसको आसान करते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आई प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो फॉर्मूले में हम पुट करते हैं वैल्यू को, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो मैं रखता हूं 1 प्लस आई की वैल्यू सबसे पहले आएगी निकल के 1, 1 प्लस 2, तो जो आपका एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब आपके आई में 2 और जुड़ जाएगा, पहले 1 था, 2 और जुड़ गया, अब हो गया है 3, ठीक है। तो फिर हम करेंगे, फिर से फॉर्मूले में मैं रखूंगा, एक्स की वैल्यू वही थी लास्ट टाइम 4, आई की वैल्यू अभी हो क्या आई है 3 और प्लस 2 तो 2 ही है, तो आपका हो गया 4 प्लस 3 7 और 7 प्लस 2 9, तो आपका जो एक्स हो गया दिस टाइम इज 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से फॉर्मूले में रखूंगा, एक्स 9 है, आई आपका 5 हो क्या आएगा 2 2 ही रहेगा, तो 9 प्लस 5 14 प्लस 2 हो जाएगा 16। ओके फाइन, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 7 होगी बट कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि आपकी अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है, उससे एक लूप आपका कम चलता है, तो ये लूप हमारा इतना ही चलेगा, आप यहां से एग्जिट करेगा प्रिंट एक्स। तो लास्ट टाइम एक्स की वैल्यू क्या थी 16 थी, तो यही कंसीडर की जाएगी, तो आपका जो आंसर होगा ए होगा, तो 16 ए है, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे इसको। नेक्स्ट 23, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। आई की वैल्यू 1 है, आई लेस 10, प्रिंट आई आई इक्वल टू आई इंटू 3। तो करते हैं आगे, सबसे पहले देखो आई की वैल्यू होगी 1, 1 10 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट आई हो जाएगा 1। अब ये क्या कह रहा है, आई इंटू 3, आई की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी 1, तो 1 इंटू 3 होगा, तो आई हो जाएगा 3, तो यहां जाएगा 3 लेस 10 है, यस कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट आई हो जाएगा 3। फिर लास्ट टाइम आई की वैल्यू थी 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो आई को 9 मिला है। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 9 लेस 10, कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट आई हो जाएगा 9। आई की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी 9, 9 इंटू 3 कीजिए 27, 27 लेस 10, 27 लेस 10, कंडीशन है फॉल्स, आपका लूप कर जाएगा एग्जिट, तो आपके जो नंबर प्रिंट हुए हैं 1, 3, 9, तो क्या कहीं कुछ ऐसा है, यस है, ए तो नहीं हो सकता है 3, 9, 0, 3, 9 नहीं हो सकता है, सी इज द राइट आंसर 1, 3, 9, तो आराम से करना है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है। ओके, 24 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्क्रिप्ट। एक्स इक्वल टू अरिहंत, ठीक है। तो ये कह रहा है फॉर आई इन रेंज लेन एक्स, मतलब इसने लेंथ कैलकुलेट कर दी एक्स की, जब तक एक्स के पास वैल्यू मिल रही है तब तक ये लूप चलता रहेगा। फिर ये कह रहा है एक्स आई डॉट लोअर, ठीक है, एक्स के आई को क्या कर दो, लोअर कर दो। अब इसने जब एक्स के आई को लोअर तो किया बट किसी को असाइन नहीं किया, ये वैल्यू कहीं स्टोर नहीं हुई, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और फिर जब ये खत्म हुआ आपका लूप प्रिंट एक्स हुआ, तो प्रिंट एक्स तो अभी अरिहंत ही था, अरिहंत ही रहा, कोई चेंज नहीं आए, तो जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये सी लिख देता और ये सारा डेटा सी में स्टोर होता और फिर सी प्रिंट होता, तब तो हो सकता था कुछ और सोच सकते थे, तो आंसर कहीं भी स्टोर नहीं हुआ, बस ये खाली थोड़ी सा दिमाग भटकाने के लिए था आपके लिए, तो ए इज द राइट आंसर। तो आराम से करना, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो व्हाइल लूप में थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन पॉइंट है, ठीक है, ये आपका कंडीशन चेकर है व्हाइल लूप में, ठीक है, और ये आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट होता है। ओके, सबसे पहला आपका एक्स जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है और लेस 9 तक जाएगा। अगर इक्वल होता तो 9 भी इंक्लूड होता, अभी यहाँ पर 9 इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहला एक्स की वैल्यू 2 होगी, 2 9 से लेस है, कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट एक्स हो जाएगा 2। फिर एक्स में +1 हुआ, मतलब एक्स क्या था 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा एक्स 3, तो 3 less 9 कंडीशन इज ट्रू। तो जो इसमें नंबर निकाल के आएंगे, देखो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 less 9 कंडीशन फॉल्स है। अगर इक्वल होता तो 9 भी आ सकता था, ठीक है। तो इसमें हमको एक बात सीखने को मिलती है, नंबर 2 से लेके 8 तक जाएगा, एक एक का गैप है, तब मैं ये कह रहा हूँ कि 3 4 5 6 7 8 आएंगे। अगर यहाँ पर 2 का गैप होता तो फिर 2 4 6 8 ऐसे आते, 1 का गैप है तो कंटिन्यूस चलता रहेगा। क्या कोई ऐसा है 3 से लेके 8 तक? यस, सी इज द राइट आंसर। 1 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट तो 2 है, तो बिल्कुल ही गलत है ये और ये। इसमें थोड़ी सा हम डी में कंफ्यूज हो सकते थे, तो आपने पिघलना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो 9 बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल होता तब हो सकता था, यहाँ पर लेस है, लेस में वो नंबर इंक्लूड नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स। तो ध्यान से पढ़ना है, बी की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, फॉर ए इन रेंज 1, 10, 2। देखो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, आप सबसे पहले ये पता लगा लो कि यार भाई मेरे नंबर कौन कौन से जनरेट होंगे। मैं जानता हूं 1 है लोअर, 10 है अपर रेंज और 2 है स्टेप वैल्यू। फिर से आपको मैं याद दिलाता चलूंगा, जितनी बार ये क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। देखो आप इसमें नंबर क्या जनरेट होंगे, सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसमें 2 का गैप होगा तो 3 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, ठीक है। लूप में इस नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं आएंगे, 10 नहीं आ सकता है बिकॉज अपर लिमिट कंसिडर नहीं होती है, और यहाँ पर तो वैसे भी 10 नहीं आ सकता था, 9 के बाद डायरेक्ट 11 हो रहा और 11 10 से छोटा बड़ा है, ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पर गलत हो जाता। तो जो मेरा यहाँ पर 1 3 5 7 9 नंबर निकल के आएंगे। अब देखते हैं फॉर्मूले को, फॉर्मूला क्या है हमारा, इसको छोटा कर लेता हूँ, सरल बना देते हैं इसको, बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 2, ठीक है। तो बी सबसे पहले हमारा 1 प्लस ए है हमारा 1 + 2, तो देखिए 1 + 1 + 2 तो हमारा बी क्या हो गया है यहाँ पर 4 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, बी 4 और हमारा ए जो निकल के आएगा 3 आएगा प्लस 2, 4 + 3 + 2 ये जो हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो अभी बी हो गया है 9 और हमारा जो ए निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा प्लस 2, 9 + 5 = 14 + 2 = 16। तो अभी हमारा बी है 16 + 7 + 2, ठीक है, 7 + 2 = 9 और 16 = 25। नाउ दिस टाइम इज बी वैल्यू इज 25, 25 + 9 + 2, 20 + 5 + 9 34, 34 + 2 = 36, ठीक है। तो 9 तक ही चलेगा और जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है बी का वो क्या आ रहा है 36। तो सी इज द राइट आंसर। ये सबसे आसान तरीका है, आप ये पता कर लो कि भाई मेरा लूप कहाँ तक चल रहा है। तो मैंने पता कर लिया था मेरे जो लूप में नंबर आएंगे 1 3 5 7 9, और मैंने उनको यहाँ पर पुट कर दिया और अपना काम आसान बना दिया। तो आप भी ऐसी ट्रिक लगा सकते हैं, सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन एन एरर। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, str1 = hello। देखो अब यहाँ पर आपको बहुत जरूरी है जानना कि यार स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। इम्यूटेबल का मतलब है यू कैन नॉट चेंज, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो पहले से बना है बस बना है वैसा ही रहेगा। जो लिस्ट है म्यूटेबल है, डिक्शनरी है
म्यूटेबल है, मतलब यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑन स्पेसिफिक प्लेस। आप स्पेसिफिक प्लेस में कोई भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। आपका टपल और स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है। आप वहां पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये काम हम वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि यार कौन सा एरर है। आपको मैंने कॉज बता दिया है कि क्या कॉज हो सकते हैं, आप ऐड डिलीट नहीं कर सकते हो। तो देखते हैं आराम से। सबसे पहला क्वेश्चन है ए ऑप्शन जो है प्रिंट एसटीआर 11, मतलब ये कह रहा है कि पहले इंडेक्स में जो एलिमेंट है, करेक्टर है, उसको प्रिंट करा दो। स्ट्रिंग में हर एक अपने करेक्टर की क्या होती है, इंडेक्स होती है। जैसे यहां पर है हेलो, ठीक है, हेलो में जो एच का है वो जीरो इंडेक्स है, ई का वन है, एल का टू है, इसका एल का थ्री है और ओ का फोर है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो अगर जब मैं ये लिखता हूं प्रिंट एसटीआर 11, ठीक है, तो मतलब यहां पर ई प्रिंट हो जाए, तो ये तो कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें ऐड भी नहीं हो रहा है, डिलीट भी नहीं हो रहा है, मर्ज भी नहीं हो रहा है। अगला है ये कह रहा है एसटीआर 1 के सेकंड प्लेस में, सेकंड इंडेक्स पर ए डाल दो, तो ये गलत है। ये क्या का क्वेश्चन हो गया? अपडेट का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। कैसा है? इम्यूटेबल, हम वहां पर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये अपडेट का है तो इसलिए ये गलत है। दूसरा ये कह रहा है प्रिंट एसटीआर 1 को प्रिंट कराओ 0 से 7 तक, तो स्टार्ट से लास्ट तक के सारे जितने भी करेक्टर हैं वो सब दिखा देगा। तो जो आपका यहां पर आंसर होगा वो होगा बी। तो इसका रीजन उसके पीछे क्या है कि ये इम्यूटेबल टाइप का है, तो यहां पर आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बी आंसर हुआ। ओके, आगे देखते हैं। सपोज लिस्ट 1 इज 2, 33, 222, 14, 25, व्हाट इज लिस्ट -1, मतलब ये कह रहा है -1 में क्या होगा। एक चीज यहां पर बहुत अच्छी निकल के आई, मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूं। लिस्ट डिक्शनरी और टपल में, ठीक है, देखो पहचानने का एक तरीका है, लिस्ट जो बनती है स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है, डिक्शनरी जो आपकी बनती है वो कर्ली ब्रैकेट्स में बनती है, और टपल जो आपके बनते हैं पैरेंथेसिस में बनते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में, डिक्शनरी आपकी कर्ली ब्रैकेट्स में और टपल आपके पैरेंथेसिस में, ठीक। और दूसरी बात क्या होती है, लिस्ट डिक्शनरी टपल में सब क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इंडेक्स होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आपके इंडेक्स होते हैं जीरो से होते हैं, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं -1, -2, -3, -4 और -5। हम मतलब हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, पूरी लिस्ट को भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज लिस्ट 1 इज 233, 222, 14, 25, व्हाट इज लिस्ट 1 -1, मतलब सो -1 में क्या है, तो -1 में आप देख सकते हैं तो 25 है, तो सी इज द राइट आंसर। तो यहां पर आपको एक चीज का पता होना बहुत ही जरूरी था, वो था इंडेक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई और ये आपकी हो गई है बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 से चलता है जहां तक भी नंबर है, और फॉरवर्ड में आपका 0 to n-1, मतलब टोटल में से एक कम, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये थी। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन। ये कह रहे हैं सपोज लिस्ट 1 इज 3, 5, 25, 1, 3, व्हाट इज min लिस्ट 1, तो min क्या है, मिनिमम फंक्शन है, तो मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करके बताता है आपकी लिस्ट से, और अगर यहां पर होता मैक्स वो क्या कहता है, मैक्सिमम एलिमेंट को निकाल के देता। तो अगर आप इस लिस्ट को देखें तो यहां पर सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट है, 1 है, क्या यहां पर कुछ ऐसा है, यस डी इज द राइट आंसर। बस आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके, 30 क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट रिजल्ट इन एन एरर व्हेन परफॉर्म ऑन टपल इन पाइथन वेयर टपल 1 = 5, 6, 8, 9, ठीक है। तो आपको पहले तो एक पहचान हो रही होगी, ये टपल है क्योंकि ये पैरेंथेसिस में बना हुआ है, ठीक है। तो अगला ये क्या कह रहा है कि बताइए कि कौन सा एरर नहीं करेगा, तो ये तो एरर करेगा क्योंकि अपडेट का क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था टपल क्या है, इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है, अपेंड भी नहीं हो सकता है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है।
तो यहां पर जो एरर नहीं करेगा वो हो सकता है आपका शॉर्ट, क्योंकि आप टपल को शॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, टपल में आप ऐड नहीं कर सकते हो, टपल में आप टपल वन ऐड नहीं कर सकते हो, ये भी गलत हो सकता है। तो जो आपका यहाँ पर आंसर होगा वो डी होगा, विल नॉट रिजल्ट इन एरर, ये रिजल्ट एरर में नहीं करेगा, तो शॉर्ट हो सकता है आपका डेटा। ओके, आगे है आपका 31। ठीक है, 31 में क्या है, एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है, की वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, ये जो ए है आपकी की है, और जो 15 है इसकी वैल्यू है। ऐसे ही बी यहाँ पर क्या है, आपकी की है, 16 क्या है आपकी वैल्यू है, सी क्या है यहाँ पर आपकी की है, और 17 क्या है आपका वैल्यू है। की वैल्यू का पेयर होता है, की और वैल्यू को कोलन से सेपरेट करते हैं, की वैल्यू के पेयर को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ओके, यहाँ पर जो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है एलिमेंट को, वो की हेल्प से किया जाता है, इंडेक्स की हेल्प से नहीं किया जाता है डिक्शनरी में काम। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं, प्रिंट DIC11। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि डिक्शनरी जो होती है इसमें इंडेक्स नहीं चलता है, इसमें चलता है की वैल्यू का पेयर, मतलब यहाँ पर जो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है की हेल्प से किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर डाल रहे हैं वन, तो यहाँ पर वन तो हो ही नहीं सकती कोई चीज, क्योंकि की तो है ही नहीं ना, मतलब यहाँ पर इंडेक्स तो है ही नहीं। तो ये क्या एरर करेगा, एरर आएगा आपका यहाँ पर डी, की एरर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं डाल सकते हैं, ध्यान से आपने इस चीज को देखना है, जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना है कि आप वन इंडेक्स पर जो भी है वो बता दो। यहाँ पर इंडेक्स नहीं होती है, यहाँ पर होता है की वैल्यू का पेयर। की सेम नहीं हो सकती है, वैल्यू सेम हो सकती है, बिकॉज आपकी लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में एक चीज यूनिक होना चाहिए जिससे आपके एलिमेंट को हम पहचान सके। तो यहाँ पर की वैल्यू का पेयर है, तो यहाँ पर अगर कोई की होती, ए होता डबल कोट्स में, तब आपका आंसर 15 आ जाता। तो गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पर आपने नंबर डाल दिया था। तो ध्यान से देखना है आपने क्वेश्चन। ओके, 32 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बिलो पाइथन कोड। टपल दी गई है हमें 1, 2, 3, टपल 1, मल्टीप्लाई 2। अब ये मल्टीप्लाई क्या करता है, रेप्लीकेशन का काम करता है, अगर जितने टाइम ये नंबर लिखा गया उतने टाइम रिपीट कर देता है। ठीक है, आपने TUP1 लिखा है, तो ये 2 टाइम क्या कर देगा, आपकी लिस्ट टपल को रिपीट कर देगा। जो आपका आंसर होगा वो बी होगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। इसमें एक चीज और होती है रेप्लीकेशन में, या तो आप लिख लो टपल इंटू नंबर, या आप नंबर इंटू टपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम होती है, एक चीज का ध्यान रखना है यही, टपल इंटू नंबर या नंबर इंटू टपल दोनों सेम है। तो आपका ये जो नंबर लिखा है, जो भी लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो उतने टाइम आपकी लिस्ट टपल क्या हो जाएगा, रेप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है बी है, रेप्लीकेशन इसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई को। अगला है आपका 33। तो 33 में है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, x इक्वल टू 1, 3, 6, फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई गई है 18। ये जो क्वेश्चन है आपका नेस्टेड लिस्ट का है। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट का है। ओके ठीक, तो फिर हम आगे बढ़े, तो इन्होंने क्या करा, लिस्ट x को दे दी, y को दे दी, फिर उन्होंने कहा 3 के 0 में क्या है। अब देखो इसकी इंडेक्स है 0, इसकी है 1, इसकी है 2, इसकी है 3। ठीक है, अब देखो फिर ये अपने अंदर की खुद की एक लिस्ट हो गई, अब ये 3 0 का एलिमेंट हो गया। इन्होंने कहा 3 0 में क्या डाल दो, 15 डाल दो। ठीक है, तो 3 0 में 15 चला गया है। अब जो आपका आंसर होगा 1, 3, 6 तो ऐसे ही रहेंगे, आपके 3 0 में चेंजेस हो गए हैं, तो जो आपका आंसर होगा वो ए होगा। ओके, 34 क्वेश्चन, DICT1 डिक्शनरी है, ए को दिया है 15, बी को दिया है 23 और सी को दिया है 21। फिर इन्होंने किया है STR1 खाली है, फॉर IN डिक्शनरी 1 तक चला है। ओके, फिर इन्होंने लिखा STR1 + STR डिक्शनरी I। ओके, सारा डेटा STR1 में स्टोर हो गया। फिर उन्होंने कहा STR2 इक्वल टू STR1 - 1, मतलब इसको क्या करो, -1 से, मतलब आपके बैकवर्ड से चलाना है। ठीक है, तो इसका जो अब ये बैकवर्ड से जब होगा तो रिवर्स होके आएगा, अभी जो 21 है 12 हो जाएगा,
23 जो है 32 हो जाएगा और 15 जो है 51 हो जाएगा, क्योंकि -1 से होके आ रहा है आपका सारा डेटा। तो जो आपका आंसर होगा ऐसा 12, 32, 51 बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये बैकवर्ड से प्रिंट कर आ रहा है STR2 को। ओके 35, कंसीडर ए डिक्लेरेशन एल इक्वल टू 1, python, 3.14। मैंने आपको बताया था लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है, टपल आपका पैरेंथेसिस में बनता है, डिक्शनरी आपकी कर्ली ब्रेसेस में बनती है। तो ये किस टाइप का डेटा टाइप है? ये आपका टाइप है टपल, बिकॉज ये पैरेंथेसिस में बन रहा है इसमें। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। 36, गिवन ए टपल TUP1, TUP1 के अंदर है 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90। अब ये कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रिंट TUP1 3, 7:2। अब भाई ये 3 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, 7 क्या है? एंडिंग पॉइंट है, 2 क्या है? स्टेप वैल्यू है। ठीक है, इसको हम करते हैं लिस्ट की स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग की स्लाइसिंग। आपको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, डिटेल में मैंने टपल लिस्ट डिक्शनरी सारा पढ़ाया हुआ है, आप उधर जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सा भी कोई डाउट है, पूरा डिटेल में मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज का यहाँ पर फिर से ध्यान रखना है, यहाँ पर भी जो अपर लिमिट है, ये जो 7 है अपर लिमिट है, ये भी कंसिडर नहीं होती है। ठीक है, अभी जो 3 इसमें जो नंबर आएंगे, एक तो आएगा 3 और एक आएगा 5, मतलब 3 इंडेक्स और 5 इंडेक्स की ही वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक, अब मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ। सबसे पहले ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो 3 इंडेक्स और 5 इंडेक्स में क्या है? 3 इंडेक्स में 40 और 5 इंडेक्स में 60। क्या ऐसा हमारे पास कोई आंसर है? यस। अब देखो ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इनको हम हटा देते हैं, डाउट हमारा दूर। अब डिस्कशन करना है सी और डी पे। अब क्या पहले वाला होगा या दूसरा वाला? दोनों के अंदर 40 60 तो लिखा है, बट डिफरेंस क्या है? टाइप का। टाइप का क्या है? हमारी इधर जो एक्चुअल है वो क्या है? टपल है। तो जो हमारी इधर निकल के आएगी वो भी तो टपल ही होगी। तो डी इज द राइट आंसर। घबराना नहीं है, आराम से ही करना है आपने। जैसे मैं कर रहा हूँ इंडेक्स डाल रहा हूँ, आप भी ऐसे इंडेक्स डाल देना। इंडेक्स आप डालेंगे तो आपका काम आसान हो जाता है। तो इसमें वही फॉर्मूला लग रहा है लूप का जैसा। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, ये स्टेप वैल्यू। स्टार्टिंग कंसिडर होता है, एंडिंग कंसिडर नहीं होता है, और 2 का गैप था तो 3 के बाद 5 ही आता है, और 5 के बाद 60 नहीं आ पाएगा क्योंकि वो कंसिडर नहीं होता। 8 होता तब यहाँ पर 7 कंसिडर हो जाता। ठीक, तो आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ओके 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमें दिया गया, कंसीडर ए टपल TUP1। इसमें लिखा गया 10, 15, 25, 30। आइडेंटिफाई टपल है, ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन एन एरर। कौन सा स्टेटमेंट एरर करेगा? देखो प्रिंट टपल वन का सेकंड एलिमेंट में जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ये तो सही है। टपल के सेकंड इंडेक्स में ये कह रहा है 20 डाल दो, तो टपल क्या है? इम्यूटेबल है, वी कैन नॉट चेंज। तो बी इज द राइट आंसर। ये तो मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने वाली बात है, तो कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, बिकॉज टपल क्या है? इम्यूटेबल डेटा टाइप है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है 38 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो लिस्ट वन में क्या है? 10, 15, 20, 25, 30। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, आराम से देखना है। मैं इधर इसको लिख देता हूं, रफली करता हूं, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अब देखो लिस्ट में क्या कर रहे हैं? इंसर्ट कर रहे हैं। लिस्ट वन में कह रहा है इंसर्ट कर दो 3, 4। अब आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा होगा ये 3 क्या है और 4 क्या है। ये जो 3 होती है ये बता रहा है इसकी पोजीशन, कह रहा है थर्ड इंडेक्स में क्या डाल दो? 4 डाल दो। तो मतलब इसको मैं कह सकता हूं वैल्यू। तो ध्यान से देखना है, ये क्या है? इसकी 3 पोजीशन है, ये चाहता है कि 3 इंडेक्स में क्या डाल दो? 4। तो मैं करता हूं ऐसे ही 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 में क्या डाल दूंगा मैं? 4।
तो अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा तो 25 आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। सपोज आप पहली सीट पर बैठे हैं, अगर वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठने के लिए आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सीट छोड़नी पड़ेगी, आप उसके पीछे बैठेंगे, वो आपकी पोजीशन पे आ गया। तो सेम एज अभी भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ, 4 क्या आ गया, थर्ड इंडेक्स पे आ गया और आपका 25 उसकी अगली वाली इंडेक्स पे शिफ्ट हो गया। ठीक, फिर अगली लाइन ने कहा आपसे लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 2, 3। अभी 2 और 3 में ध्यान रखना है, 2 क्या है, पोजीशन है, मतलब सेकंड पोजीशन में। ये 0 पोजीशन हो गई, ये 1 हो गई, तो ये 2 है ना। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो जो आपका 20 था थर्ड पोजीशन में चला गया। तो अब जो आपकी लिस्ट बनी कुछ ऐसी बन गई। अब नए इंडेक्स दे देता हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये फोर्थ इंडेक्स, ये फिफ्थ और ये सिक्स इंडेक्स। ठीक है, अभी आपसे कह रहा है प्रिंट लिस्ट 1 को -5 से दिखाओ। -5 में क्या है, बैकवर्ड में जाता हूं मैं, ये -1, -2, -3, -4, ये हो गया -5। तो मुझे आंसर मिल गया है, -5 में क्या है, 3 है। तो ऐसा आंसर है, यस बी इज द राइट आंसर। तो गाइज इसमें आपने गड़बड़ नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है, इंसर्ट करना है और समझना है कि अगर मैं इंसर्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, इसमें 3, 4 लिखा है, ये जो 3 होता है इंडेक्स बताता है कि इस इंडेक्स में डालो और 4 डाल दो, जो भी वैल्यू डालो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, टपल 1। देखो यहां पर नेस्टेड का केस बन रहा है फिर से, ठीक है, तो नेस्टेड का केस ये है, ये 1, 2, फिर 1, 2, 3। मैं इंडेक्सिंग करके बताता हूँ। देखो तो ये जो 1 है ये 0 इंडेक्स है, ये 2 है 1, और ये जो पूरा 1, 2 है ये सेकंड इंडेक्स में है। ठीक, अब इसके सब पार्ट होंगे वो दूसरी बात है, और ये जो आपका है 3, ये 3 इंडेक्स पे ही है। अगर मैं 2 इंडेक्स के अंदर ये 2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये जो 1 होगा इसका 2, 0 होगा, और ये जो 2 होगा इसका 2, 1 का पार्ट होगा। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया है। अब ये क्या करे, 2, 1 में क्या डाल दो, 3.14। भाई 3.14 तो हम डाल देते, बट दिक्कत ये है जो ये टपल है ये इम्यूटेबल है, वी कैन नॉट चेंज। तो यहां पर आपने घबराना नहीं है, और जो आपका आंसर आएगा वो एरर मैसेज आएगा, बिकॉज यहाँ पर ये टपल है। देखो आपका ध्यान कितना भटकाया जा रहा है, क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया दे दिया जा रहा है, और आपने ऊपर देख लेना है कि है क्या। अगर ब्रैकेट ये है तो यू कैन नॉट चेंज, अगर ये वाले ब्रैकेट होते हैं तो ये पॉसिबल था, सब कुछ पॉसिबल था। ठीक है, तो ये आंसर आएगा एरर मैसेज। तो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली एंड फाइंड विच स्टेटमेंट विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड इन द कोड। ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आराम से देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले टी की वैल्यू हो रही है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 15 है, कंडीशन इज ट्रू, आपका लूप अंदर जाएगा। ठीक है, तो आपका अभी देखो 1 ग्रेटर 13 नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका लूप सीधे चला जाएगा एल्स में, तो आपका प्रिंट हो जाएगा पास। ठीक है, हमें पास से मतलब नहीं है, मतलब अभी इफ नहीं चला, हमने ये ध्यान दिया स्टेटमेंट 4 अभी नहीं चला। नेक्स्ट टाइम फिर आई टी की वैल्यू होगी इंक्रीज, टी की वैल्यू लास्ट टाइम थी 1, 1 में 3 एड और कर दो, 1 + 3 हो जाएगा 4, 4 15 से क्या होता है लेस होता है, कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया, 4 ग्रेटर 13 नहीं है, तो अभी भी ये इफ वाला नहीं चला, तो else ही चलेगा, तो ठीक है भाई, else if नहीं चला। फिर 4 में 3 ऐड कर दो, 7 होगा, 7 15 से लेस है, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा 7 15 से, 7 13 से ग्रेटर नहीं होता है, तो फिर अभी नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, 7 में 3 ऐड कर दीजिए, 10 हो जाएगा, 10 लेस 15 होता है, यस कंडीशन इज ट्रू, 10 ग्रेटर 13 नहीं होता है, तो ये वाला अभी भी नहीं चलेगा, तो सीधे एल्स में आएगा। 10 में 3 ऐड कर दीजिए, 13 होगा, 13 लेस देन इक्वल टू 15 होता है, कंडीशन इज ट्रू, फिर 13 ग्रेटर 13 नहीं होता है, कंडीशन अभी भी फॉल्स, तो आपका एल से ही चलेगा। फिर 13 में 3 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए 16 लेस देन इक्वल टू 15,
कंडीशन हो गई है फॉल्स। जब आपका आउटर कंडीशन फॉल्स होती है तो इनर में एंट्री ही नहीं लेगा, तो आपका जब बाहर का पार्ट खराब हो गया तो अंदर जाएगा ही नहीं। तो यहां जो हमें बात सीखने को मिली, जो आपका स्टेटमेंट नहीं चल रहा है वो है स्टेटमेंट 4। ठीक है, समथिंग वाला नहीं चल रहा है ना, एक बार भी नहीं चला, पास वाले चले 3 बार। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ स्टेटमेंट, 4 इज द राइट आंसर। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, आपने आराम से पढ़ने हैं बस। अगला है 41, राइट द वैल्यू ऑफ समवन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल लूप। कह रहा है समवन की लास्ट में क्या वैल्यू होगी। ओके, तो देख लेते हैं। आई के लिए सबसे पहले 1 से इनिशियलाइज किया गया है, समवन की इनिशियल वैल्यू है 0। जो आपका लूप चलेगा, देखो फिर से आसान चीज हमें यहाँ पर मिल रही है, आपका जो लूप चलेगा 1 से लेके चलेगा 9 तक, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 का हो रहा है, इट मींस जो नंबर आएंगे निकल के वो 1, 3, 5, 7, 9, 10 नहीं हो सकता है। अगर इक्वल 10 होता तो हो सकता था, और वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 9 के बाद 11 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो 2 का है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सम वन की वैल्यू सबसे पहले होगी 0। 0 में आप 1 ऐड कर दीजिए, सम वन को मिल जाएगा 1। फिर आप 1 में 3 ऐड कर दीजिए, 4 हो जाएगा। फिर आप 4 में 5 ऐड कर दीजिए, सम वन की वैल्यू हो गई 9। फिर आप 9 में ऐड कर दीजिए 7, तो हो जाएगा 16। और 16 में लास्ट टाइम ऐड होगा 9, तो आपका आंसर होगा 25। तो जो आपकी लास्ट तक एस सम वन की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 25। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकेंड 25। तो आप इस काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये पता कर लो कि मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। तो देखो कम टाइम में और आपका एक सही आंसर निकल के आ जाता है। इसमें मैंने आसानी से ये करा कि आपके लूप में कौन कौन से नंबर जनरेट हो रहे हैं, तो 1 से लेके 9 तक के होंगे। और पता गैप कैसे पता चला, 2 का गैप था तब मुझे पता चला कि 1, 3, 5, 7, 9 आएंगे। ठीक है, अगर 1 का गैप होता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आते। तो ये ध्यान रखना है, गैप देखना है कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपके लिए होती है। 42 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गिव द आउटपुट फॉर आई इन रेंज 1, 10, 3। एक बात यहाँ पर सबसे पहले हमने सीख लेनी है, 1 क्या है, लोअर रेंज, 10 है अपर रेंज जो कंसीडर नहीं होते है, और 3 का गैप है। तो मुझे पता कर लेना है नंबर कौन कौन से आएंगे, 1 आएगा, 4 आएगा और 7 आएगा, 10 नहीं आ सकता है बिकॉज जो 10 है वो कंसिडर नहीं होता है। तो मैं वो दो आंसर को सबसे पहले इलिमिनेट कर दूंगा, वो होगा दूसरा और वो होगा चौथा। अब मैं डिस्कशन करता हूँ फर्स्ट और थर्ड पे। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ी सा ऑप्शन कम हो गए है ना, हम जल्दी काम को अब कर सकते हैं। तो आपने ये काम सॉल्व कर लिया, आपको पता चल गया कि मेरे लूप में 1, 4 और 7 निकल के ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। ओके, अब मैं देखता हूं, सबसे पहले 1 होगा तो उसके बाद सेपरेशन में क्या लग के आएगा और ये एंड क्या होता है। सेपरेट क्या होता है कि जब आपकी एक वैल्यू होती है उसके बाद आता है, अब जब लाइन एंड हो जाएगी तब क्या आएगा, आपका एस्ट्रिक आएगा। ठीक है, तो जब जैसे ही 1 प्रिंट होगा तो मेरी लाइन अगली लाइन में कर्सर चला जाएगा, तो यहां पर मेरा आएगा एस्ट्रिक। तो 1 के बाद एस्ट्रिक, फिर 4 के बाद एस्ट्रिक, फिर 7 के बाद एस्ट्रिक। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर हर एक लाइन में कर्सर चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 43, एम की वैल्यू है 16। फिर यहां पर क्या किया गया है, एम इक्वल टू एम प्लस 1, मतलब 16 में आपने एक एड और कर दिया है, एम की वैल्यू हो गई है 17। ठीक है, तो फिर ये क्या कह रहा है, 17 less 15, मतलब एम की वैल्यू 17 है, 17 less 15, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, 17-15 से छोटा कहाँ होता है, बड़ा ही होता है। तो ये कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। ठीक है, एल्स में जाएगा तो ये करेगा प्रिंट एम प्लस 15, तो एम क्या था 17, 17 में 15 जोड़ दो होगा 32, 32। तो जो 32 होगा वही आंसर होगा, वो है पहला, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ध्यान से पढ़ना है, एम पहले 16 दिया है, फिर एम में एक जोड़ दिया है वो 17 हो गया, फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आया, और एल्स में 15 जुड़ गया, 32 हो गया। तो ये सही आंसर था, आराम से करते रहना। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ 3, 2, 1।
थ्री टू वन में डबल कोट्स लग जाए, अगर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स लग जाते हैं तो वो बन जाती है स्ट्रिंग। वो नंबर ही है चाहे आपने उसमें कोट्स लगा दिए तो वो क्या हो गया, स्ट्रिंग। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही आसान सा था। 45 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थर्ड एक्सपोनेंट वाला यहाँ पर आंसर होगा, बाकी लॉजिकल, रिलेशनल और बिटवाइज हैं तो ये नहीं हो सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और है, थोड़ी सा बड़ा सा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। इधर लिखा है नेम पाइथन 3.1, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। पी बड़ा है, वाई छोटा है, टी छोटा है, एच छोटा है, ओ छोटा है, एन बड़ा है 3.1। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो ये क्या क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आर एक खाली स्ट्रिंग है और फॉर एक्स इन रेंज लेन, मतलब लास्ट तक चले जब तक उसको नेम मिलते रहे। ठीक है, अगर ये कह रहा है नेम एक्स डॉट इज अपर, अगर आपको जो नेम आता है अगर वो अपर होता है तो उसको कर दो लोअर, अगर लोअर है तो उसको कर दो अपर, अगर उसका डिजिट है तो डिजिट से पिछला वाला आ जाए। ठीक है, तो आराम से देखते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले नेम एक्स का निकल के आया पी, क्या ये अपर है, यस। अगर ये अपर है तो इसको क्या कर दो लोअर, तो पी हो जाएगा स्मॉल। अगली बारी निकल के आया वाई, वाई इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि अपर नहीं है, ये क्या है लोअर, अगर लोअर है तो उसको क्या कर दो अपर, तो वाई कैपिटल हो जाएगा। टी स्मॉल था तो ये कैपिटल हो जाएगा, एच स्मॉल था ये कैपिटल हो जाएगा, ओ स्मॉल था तो ये कैपिटल हो जाएगा, एन कैपिटल था तो ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप इसमें होगा, फिर आ रहा है थ्री इज डिजिट, अगर ये डिजिट हुए तो उससे पिछला वाला आ जाए, पिछला वाला क्या था, डिजिट से पिछला क्या था, एन था, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल एन। ठीक, फिर डॉट है, अब डॉट में क्या है, ना तो ये अपर है ना ये लोअर है ना ये डिजिट है, मतलब ये कहां जाएगा, एल्स में जाएगा, तो अगर डॉट आ रहा है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर है तो यहां पर आ जाएगा एज। ठीक है, फिर इसके बाद वन है, वन क्या है, एक डिजिट है, अगर डिजिट आता है तो उससे पिछला वाला आ जाए, उससे पिछले में यहां पर क्या है, डॉट है। ठीक है, तो जो आपका निकल के आएगा रिजल्ट आर में वो आएगा स्मॉल पी कैपिटल वाई कैपिटल टी कैपिटल एस कैपिटल ओ स्मॉल एन कैपिटल एन हैज और डॉट। ठीक है, तो चार आंसर में से देख लेते हैं कुछ ऐसा है तो ऐसा नहीं है। तो गाइज आपने ध्यान देना है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, आपने नहीं जाना है इन पे, तो आराम से देखना, इसमें से कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं गलत, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ये टेस्टेड हैं सारे, सब टेस्ट करे हुए हैं, तो यही आंसर आपका होगा। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, तो यही आंसर इसका निकल के आएगा पाइथन। ओके, 47 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का डिक्लेरेशन किस में होता है, करली ब्रैकेट्स में। अब भाई जहां करली ब्रैकेट्स नहीं लगे वो सबसे पहले गलत हो गए, उनको कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पर थर्ड तो पहले गलत हो गया क्योंकि इसमें लगी है लिस्ट वाला साइन स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये गलत। इधर देखो इसमें गलती ये थी, इधर करली लगा है इधर स्क्वायर लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा अब देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड, देखो मैंने आपको क्या बताया था डिक्शनरी में, की जो होती है की और वैल्यू जो सेपरेट होती है कोलन से होती है, और की वैल्यू का पेयर जो सेपरेट होता है वो कॉमा से होता है। अगर यहां पर देखो 1 : मंडे कॉमा 2 : ट्यूसडे कॉमा 3 : वेडनेसडे, तो ये सही है बिल्कुल। इधर अगर देखूं गलती क्या है, 1 लगा दिया इन्होंने, जब की और वैल्यू के बीच में कॉमा नहीं होता है कोलन होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया है। और दूसरा ये इसलिए भी गलत हो गया है, यहां पर कर्ली नहीं लगे हैं इसके बाहर से, तो इसलिए भी गलत हो गया है। तो जो हमारा बचा आंसर वो होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द वैलिड डेटा टाइप ऑफ एल। तो आपने एल या लिस्ट शब्द पर नहीं जाना, आपने देखना है किस में बनी हुई, तो ये बनी है स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है लिस्ट, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, गिव द आउटपुट LT2 लिस्ट 2 1 2 3, मतलब इनका मैं आपको पहले करके दिखा देता हूं इंडेक्सिंग,
ये जीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, ये टू इंडेक्स, और ये जो 5, 4, 6 है ये थर्ड इंडेक्स पे है। अब मैं इंडिविजुअल 5 की बात करूं तो ये 3, 0 पे है, 4, 3, 1 पे है और 6, 3, 2 में है, ठीक है, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, पहले 5, 4, 6 इसकी कंप्लीट की इंडेक्स 3 है और फिर इसका अंदर भी सब पार्ट हो गया, इनके अंदर भी यूनिट यूनिक इंडेक्सिंग हो गई, तो इसलिए इसमें हमने भी कर दिया है। फिर ये कह रहा है LT.LT2.रिवर्स, इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो और प्रिंट LT2। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें सबसे पहले आएगा 5, 4, 6 और फिर आ जाएगा आपका 1, 2, 3। तो ये जो आपको मिल रहा है 5, 4, 6, 1, 2, 3, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। 50 क्वेश्चन है, 50 में हम पहुंच गए हैं। LT2 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से मैं इंडेक्सिंग करता हूँ, 0 ये 1 ये 2 और ये कंप्लीट की हो गई है 3, ये 3, 0 ये 3, 1 और ये 3, 2, ठीक। फिर ये आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये कह रहा है एल प्रिंट LT2 0, 1, ठीक है, तो 0, 1, ठीक है, तो 0, 1 में हमारा क्या है, वह है 2 है, ठीक है, क्योंकि 0, 1 में यही तो है, 2 हो गया, तो TWO आ जाएगा। अगली बार ये क्या कह रहा है, प्रिंट LT2 -1, -1, तो -1, -1 पर अगर हम जाएं तो इधर -1 है ना, ठीक है, ये -1 ही तो होगा इधर से और -1 के अंदर ही होगा, ये कंप्लीट की अगर हम बैकवर्ड से देखें तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3, ठीक है, ऐसे ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर से आ जाएगा 6, ठीक है, हैश तो लगेगा ही लगेगा, और फिर आपकी तीसरी लाइन में होगा 0, 1। अब 0, 1 में क्या होगा आपका, 0 ये कंप्लीट 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो फिर से आ जाएगा 2। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 2 has 6 has 2, तो पहला ही सही है, बी सी डी में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना कैसे लिस्ट बनी है, कैसे काम हो रहा है। ओके, 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली एंड फाइंड व्हिच स्टेटमेंट विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड इन द कोड। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये कराया हुआ था, तो करते हैं आराम से। सी की वैल्यू सबसे पहले 1 हुई, 115 से लेस है, कंडीशन ट्रू। ओके, तो फिर से अंदर आया, क्योंकि आउटर ट्रू है तो अंदर एंट्री होनी ही होनी है, क्योंकि 1 15 से छोटा है। फिर यहां पर भी ट्रू है, 1 <= 15, यस कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट जंप हो जाएगा, तो ये चल रहा है। अगली बार क्या हुआ, 1 में 4 जोड़ गया, क्योंकि इंक्रीमेंट यहाँ पर 4 का हुआ है, तो 1 में 4 जोड़ गया, 5 हो गया, 5 15 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, यहाँ भी 5 15 से छोटा है, यस कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट 4 चल गया। फिर 4 और इंक्रीमेंट होगा, 5 में 4 जुड़ जाएगा, अब हो जाएगा 9, 9 15 से छोटा है, यस कंडीशन इज ट्रू। इधर 9 <= 15, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट 4 फिर से एग्जीक्यूट हो गया है। फिर 9 में 4 ऐड होगा, हो जाएगा 13, 13 हुआ, तो 13 में 15 से लेस है, कंडीशन इज ट्रू, अगेन स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर 13 में 4 जब ऐड होगा, वैल्यू हो जाएगी 17, 17 लेस देन इक्वल टू 15, कंडीशन इज फॉल्स, जब आपका आउटर ट्रू नहीं होगा तो इनर में भी एंट्री नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नहीं चला वो था स्टेटमेंट 6, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नेवर एग्जीक्यूट, ठीक है, तो आंसर इज सी, स्टेटमेंट 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, काफी आसान सा। इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 6 + 36 / 2 × 5, आई थिंक ये हमने कर लिया है शायद, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। 6 + 36 / 6 का आंसर होगा 6 + 2 × 5 का आंसर होगा 10 और 6 + 6 हो जाएगा 12 + 10 हो जाएगा 22, तो D is the right answer। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास लिस्ट है L इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 3। पहले मैं इसकी कर देता हूँ इंडेक्सिंग, ये 0 में है, ये 1 में है, ये 2 में है, ये 3 में है, ये 4 में है और ये 5 में, ठीक।
अभी कह रहा है एल डॉट पॉप थ्री। अभी पॉप थ्री का मतलब क्या है? पॉप थ्री ये थ्री इंडेक्स है या थ्री क्या है, वैल्यू है? देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पॉप फंक्शन होता है ये इंडेक्स वाइज काम करता है। अगर मैं थ्री डाल रहा हूं तो थ्री इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा। अभी अगर आप अपनी लिस्ट में देखेंगे, थर्ड इंडेक्स में जो एलिमेंट है आपका वो है फोर। ठीक है, थर्ड इंडेक्स कह रहा हूं, थर्ड इंडेक्स में क्या है, फोर है। अगर वैल्यू की बात कहता तो वो डायरेक्ट थ्री को डिलीट करता। तो इसमें जो होता है, पॉप जो काम करता है इंडेक्स के हिसाब से करता है, ठीक है, और जो रिमूव फंक्शन काम करता है वो वैल्यू के हिसाब से काम करता है। ठीक है, वो वैल्यू से डिलीट करता है। एक ही बेसिक डिफरेंस होता है, जो पॉप होता है वो इंडेक्स वाइज डिलीट करता है और जो रिमूव होता है वो वैल्यू वाइज डिलीट करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है एल डॉट पॉप थ्री, तो जो थर्ड इंडेक्स पे है वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, इट मीन्स फोर डिलीट हो जाएगा। अब बचा क्या, एक दो तीन पांच तीन, ऐसी कोई है लिस्ट? एक दो तीन पांच तीन, यस डेफिनेटली है। तो बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने आराम से करना है बस। 44 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो आइडेंटिफाई द आउटपुट, आपके पास एक टपल है 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी कह रहा है टी मल्टीप्लाई 3, मतलब टपल को क्या कर दो, रेप्लीकेट। ये मल्टीप्लाई जो यूज होता है रेप्लीकेशन के लिए यूज होता है, रिपीट करने के लिए। तो क्या है, 3 2 1 और इंटू 3 लिखा है, तो 3 टाइम रिपीट हो जाएगी। तो जो आपका आंसर होगा 3 2 1 वन टाइम, 3 2 1 टू टाइम, 3 2 1 थ्री टाइम, बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है अभी बहुत देर बाद। 55 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट एंड गिव द आउटपुट। बिल्कुल सही है, आराम से पढ़ते हैं। जेड की वैल्यू सबसे पहले है 7, सम की वैल्यू है 0। ओके, तो जेड लेस देन इक्वल टू 12, नाउ जेड वैल्यू इज 7, 7 लेस देन इक्वल टू 12 कंडीशन इज ट्रू है। अंदर जाएगा, सम की वैल्यू है 0, 0 में जेड ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस जेड है 7, तो सम की वैल्यू हो गई है 7। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जेड में 2 ऐड हो जाएगा, मतलब सम जेड क्या था 7, 7 में 2 ऐड हुआ तो 9, तो 9 फिर से यहां चला गया, 9 लेस देन इक्वल टू 12 कंडीशन इज ट्रू। सम की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, 7, और 7 में 9 ऐड कर दीजिए, सम हो गया अब 16। जेड की वैल्यू लास्ट टाइम थी 7, 7 में 2 ऐड किया, सॉरी 9 थी, 9 में 2 ऐड किया, वैल्यू हो गई है 11, 11 लेस देन इक्वल टू 12 कंडीशन इज ट्रू। सम की वैल्यू लास्ट टाइम थी 16, 16 प्लस 11 आपका हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27 हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं, सम हो गया है 27। अभी अगली बार चलेगा 11 से 13 होगा, 13 हो नहीं पाएगा, कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपने बाहर प्रिंट करा रखा है प्रिंट जेड। ठीक है, प्रिंट जेड, तो प्रिंट जेड जब होगा तो आपकी जो जेड की वैल्यू थी वो क्या होगी। ठीक है, तो ये सोचने वाले हैं, क्या कह रहा है 3 टाइम्स आउटपुट 13। ठीक है, अगला कह रहा है 3 टाइम्स आउटपुट 12, 4 टाइम्स आउटपुट 11, 4 टाइम्स आउटपुट 12। देखो ये हमारा जो लूप चल रहा है 3 टाइम चल रहा है, कब कब, 7 के लिए, 9 के लिए और 11 के लिए, 13 के लिए नहीं चल रहा है। ठीक है, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं वो आंसर हो सकते हैं, तो ये गलत है और ये गलत है। दूसरी बात आई आउटपुट 13, आउटपुट 13 आ रहा है, बिल्कुल इसी में आ रहा है, 13 इसी में तो आ रहा है जेट की वैल्यू। ठीक है ना, जेट की वैल्यू 13 तो हुई, तभी तो लूप आपका फॉल्स हुआ, तो 12 तो नहीं हुई ना, 12 तो वैसे भी नहीं हो सकती, 7 में 2 का इंक्रीमेंट 9, 9 में 2 का 11, 11 में 2 का 13, तो जो आंसर होगा डेफिनेटली ए होगा। तो आपने ऐसे करना है आराम से, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अलग था ये क्वेश्चन, तो आराम से करना है, पॉज करके आप नोट कर लो जो आपको लगता है कि नोट करने चाहिए, तो डेफिनेटली आपने ये नोट करने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं 56 क्वेश्चन। 56 क्या है, देखो 56 में ये हो रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ए को दिया गया है 20 और बी को दिया गया है इधर 30। इधर क्या है, मल्टीपल वैल्यू
असाइनमेंट किया गए हैं, ठीक है। देखो ये क्या गया, बी प्लस 20 इतना जो पार्ट है ये मिल जाएगा ए को, और ए प्लस 30 का पार्ट मिल जाएगा बी को। तो सबसे पहले मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, 30, 30 में 20 जोड़ दो 50, ये किसको मिल गया है, इधर ए को, ए के पास आ गया 50। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या थी इधर 20, 20 प्लस 30 हो गया 50, ठीक है, और ये किसको मिल गया, बी को, तो 50 भी मिल गया बी को। तो ए के पास भी 50 है और बी के पास भी 50 है, तो आंसर होगा, इन्होंने प्रिंट कराएगा ए कॉमा बी, तो आंसर होगा 50:50। 57 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड, कौन सा वैलिड नहीं है। देखो मल्टीप्लाई वैलिड है रेप्लिकेशन के लिए, इन वैलिड है मेंबरशिप ऑपरेटर है, प्लस वैलिड है कॉन्केटिनेशन के लिए, कॉन्केटिनेट करता है, इसका जो आंसर आएगा 5:5 आएगा। अब देखो डिवाइड का कोई काम नहीं है स्ट्रिंग के साथ, तो ये इनवैलिड है, तो यही आंसर होगा, काटता तो नहीं हूं, तो डी इज द राइट आंसर। 58 क्वेश्चन, गिवन ए टपल टी, टपल दी गई है 10 20 30 40 50 60 70 80 90, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट 3 से, और देखो ये 3 और कोलन ऐसा लिखा है, 3 कोलन, अगर आप ऐसा लिख देते तो ये 3 से स्टार्ट होगा लास्ट तक चलता रहेगा, और कोलन 2, तो यहां पर अभी जो गायब है वो है अपर रेंज, आपकी लोअर रेंज तो दे रखी है, अपर रेंज अगर कुछ नहीं दी है तो लास्ट तक चलेगा, ठीक है, ये स्लाइसिंग का पार्ट है, और ये 2 जो है इसका गैप है, अब ये 3 से लेकर लास्ट तक चलेगा, तो सबसे पहले कर लेते हैं भाई इंडेक्सिंग, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, ये 3 से लेकर लास्ट तक जाएगा दो दो के गैप में, तो 3 में सबसे पहले आएगा 40, फिर दूसरा गैप हुआ 60 ही आएगा, और फिर आएगा 80, ठीक है, और इसके बाद ये आता बट यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं था, तो 40 60 80 जहां पर आ रहा वो आंसर हो सकता है, यस आ रहा है ए में, ए इज द राइट आंसर। तो स्लाइसिंग का पार्ट है, आपको वीडियोस में सब कुछ मिल जाएगा, डिटेल वीडियो भी बनी हुई है हर एक चैप्टर पर हर एक टॉपिक पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएंगे। ओके अगला क्वेश्चन हमारा 59, 59 में ये क्या कह रहा है, गिवन ए टपल टी 10 20 30 40 50 60 70 80 90, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट। देखो इसने क्या करा है, ये लिखा है और 4 लिखा है, मतलब इसने स्टार्टिंग नहीं दिया, स्टार्टिंग अगर नहीं दी है तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, और इसने गैप भी नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट गैप कितने का हो, 1 का ही होगा, तो स्टार्टिंग तो 10 से आएगा ही आएगा, जो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं वही सही है, तो एक तो ये नहीं होगा और एक बी भी नहीं होगा। अब बचे ए और डी, तो ध्यान से देख लेते हैं, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो आएगा 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, क्योंकि अपर लिमिट तो कंसीडर ही नहीं होती है, 4 कंसीडर ही नहीं होगा, तो यहां पर देख लेते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, तो 0 1 2 3 में क्या है, 10 20 30 40, तो जो भी 10 20 30 40 हो वो आंसर होगा, तो ए है, ए इज द राइट आंसर, 50 नहीं हो सकता है क्योंकि फोर्थ एलिमेंट या फोर्थ पोजिशन फोर्थ इंडेक्स तो कंसिडर ही नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है हमने, ठीक है, अपर लिमिट कंसिडर नहीं होती, चाहे आप स्लाइसिंग कर रहे हो चाहे आप फॉर लूप को यूज कर रहे हो। 60 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट, म्यूटेबल मतलब जो चेंजेबल है, फ्रॉम द फॉलोइंग, इंट क्या है, एक फिक्स डेटा टाइप है, टपल इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो जो आंसर निकल के आता है वो आता है डिक्शनरी इज द राइट आंसर, बिकॉज डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है। तो हम आ गए हैं 61 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है व्हाट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लूप। तो देखो इसने क्या किया, सम को सबसे पहले 0 वैल्यू असाइन किए और लास्ट को 10, ठीक है, तो इसमें भी लिखा गया फॉर सी इन रेंज 1, लास्ट, 2, अब लास्ट की वैल्यू क्या है 10, तो मतलब लूप 1 से लेके 10, 2, और ये 10 कंसीडर नहीं होता, अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है, ठीक है, तो ये जो लूप चलेगा 1, 3, 5, 7, 9 के लिए चलेगा, मतलब 5 बार आपका लूप आइट्रेट होगा, घूमेगा, ठीक, और अंदर लिखा गया सम इक्वल टू सम प्लस 1, ठीक है भाई, जब आपका लूप सबसे पहले 1 के लिए चलेगा तो
आपकी सम की वैल्यू थी 0, 0 में 1 ऐड हुआ, सम की वैल्यू हो गई है 1। नेक्स्ट टाइम आपका लूप चला 3 के लिए, ठीक है। 3 के लिए जब चला, आपकी सम की वैल्यू हो गई थी 1 और फिर 1 में 1 ही ऐड हो रहा है, तो आपका सम हो गया है 2। नेक्स्ट टाइम आपका लूप चला 5 के लिए, थर्ड टाइम में आपकी सम की वैल्यू थी लास्ट टाइम 2, 2 में 1 ऐड हो गया, आपका सम हो गया है 3। नेक्स्ट टाइम आपका लूप चला 7 के लिए, फोर्थ टाइम आपकी सम की वैल्यू थी 3, 3 में 1 ऐड हुआ 4। सही है अभी तक। अब लास्ट टाइम आपका लूप चलेगा 9 के लिए, तो आपके सम की वैल्यू थी 4, 4 में 1 ऐड हुआ, ये हो गया है 5। अब 9 से आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो अपर लिमिट है वो 10 ही है, ठीक है, तो 5 तक ही चला। तो जो आपकी सम की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 5, ओके। और ये कह रहा है आपकी, फिर कह रहा है प्रिंट करो सम कॉमा सी, तो सम तो प्रिंट होगा 5। अब जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं वही आंसर हो सकते हैं, तो बी और डी तो एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा 5,10 और 5,9, इसमें क्या ले, मतलब सी क्या होगा, ठीक है, सी क्या होगा। तो जो आपका सी होगा वो 9 ही होगा, 9 से तो आगे बढ़ नहीं रहा है, 10 तो हो नहीं सकता, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला है 62। हाउ मेनी टाइम्स डज द फॉलोइंग व्हाइल लूप गेट एग्जीक्यूटेड, कितने टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, के की वैल्यू है इधर 5 और एल की वैल्यू 36। सबसे पहले 36 लेस देन इक्वल टू एल, एल क्या है अभी आपका, सॉरी आपका देखो जो के है वो है 5 और आपका एल है 36। ओके, तो 5 लेस देन इक्वल टू 36 कंडीशन इज ट्रू, तो एक बार चलेगा इस कंडीशन में। जब आपका के में 6 और जुड़ जाएगा, के सबसे पहले था 5, 5 में 6 जुड़ गया है, 11 हो गया है, तो 11 भी अभी 36 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, दो बार चल गया है। फिर 11 में 6 जुड़ा, फिर हो गया 17, 17 हो गया है, 17 लेस देन इक्वल टू 36 कंडीशन इज ट्रू, अभी भी चलेगा। फिर 17 में फिर से 6 ऐड हुआ, 17 प्लस 6 हो गया है 23 लेस देन इक्वल टू 36, अभी भी सही है। फिर 23 में 6 ऐड हुआ, हो गया है 29 लेस देन इक्वल टू 36। फिर 29 में 6 और ऐड होगा तो फिर ये चलेगा, 35 हो जाएगा, 35 लेस देन इक्वल टू 36 कंडीशन इज ट्रू, अभी भी आपका लूप चलेगा, ठीक है। जब 35 में 6 ऐड होगा वो हो जाएगा 41, 41 लेस देन इक्वल टू 36 कंडीशन इज फॉल्स, तो अभी आपका लूप नहीं चलेगा। तो अब आप यहां पर से काउंट कर लो कि आपका लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना आसान है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, 6 टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट हुआ। मैंने लिख लिया ना, सबसे पहले मेरा के 5 हुआ, फिर 5 में 6 जुड़ा 11, फिर 17, फिर 23, फिर 29 और फिर 35, 35 से ऊपर फिर डायरेक्ट 41 ही होगा, तो फिर हो नहीं सकता, तो फिर इसको काउंट कर लिया मैंने कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ, तो मुझे आंसर पता चल गया। तो एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप भी देखो, देखो नंबर चेंज हो सकते हैं, थोड़ी बहुत लूप चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपने ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन। लिखा है चूज करेक्ट ऑप्शन टू सॉर्ट आइटम्स इन ए लिस्ट एट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। एलटी डॉट सॉर्ट डिसेंडिंग, इस नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है, डीएससी नाम का नहीं होता है, इसमें होता है एल टी डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, यस रिवर्स क्या करना है ट्रू, ये सही होगा और ये भी आपका कोई कीवर्ड नहीं होता है, तो सी इज द राइट आंसर। 64, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स आफ्टर द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड, एक्स की फाइनल वैल्यू बताइए। तो एक्स इनिशियल 10 है, 10 एक से बड़ा होता है, यस कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर लगा रखा है फ्लोर डिविजन, 10 एक्स की वैल्यू 10 है, फ्लोर डिवीजन 3, तो आंसर आएगा आपका 3, तो x की वैल्यू 3 हुई, 3 में 1 जुड़ गया 4 हो गया x, 4 अभी भी 1 से बड़ा है, यस 4 ग्रेटर 1 है, कंडीशन इज ट्रू। x की वैल्यू क्या है 4, 4 फ्लोर डिवीजन 3 का आंसर होगा 3 1 जा 3, ये डेसिमल में काम नहीं करता है, तो x की वैल्यू क्या है 1, 1 में 1 ऐड कर दीजिए, x हो गया 2, 2 अभी भी 1 से ग्रेटर है, कंडीशन इज ट्रू।
तो फिर आएगा 2 फ्लोर डिवीजन 3, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो अब हमें चाहिए क्या था, फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। तो जो आपको फाइनल में वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 0, आपने यहां पर आके देख लिया है। तो ए इज द राइट आंसर। ओके 65 क्वेश्चन, गिवन ए टपल टी, टपल है 10 20 30 40 50 60 70 80 90, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रिंट टी। टपल को प्रिंट कर रखा, स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं दिया है, जब वो कर रहा है उसको प्रिंट, ठीक है, इंडेक्सिंग करी है, स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं दिया है। तो अगर स्टार्ट भी नहीं दिया है, एंड भी नहीं दिया है, तो आपकी पूरी की पूरी जितने भी एलिमेंट हैं टपल में, लिस्ट में, वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, नो आउटपुट नहीं होगा, एरर मैसेज भी नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट भी आ जाएंगे। ओके 66 क्वेश्चन, सपोज ए टपल टी इज डिक्लेयर्ड एज टी 10, 12, 43, 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, डेल नहीं कर सकते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज, हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए सी आंसर होगा। 67 है, सपोज ए टपल टी इज डिक्लेयर्ड एज टी 10, 12, 43, 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऊपर था इनकरेक्ट और इधर है कौन सा करेक्ट है, ठीक है, ऑप तो हम नहीं कर सकते, मतलब डिलीट नहीं कर सकते हैं, काउंट हम कर सकते हैं, तो यही आंसर होगा, डेल भी नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि डिलीट नहीं हो सकता है, नन ऑफ द अबव, तो बी इज द राइट आंसर। अगला है द एक्सप्रेशन 5, 5 किस में लिखा गया है, डबल कोट्स में, अगर डबल कोट्स में लिखा गया इट मीन्स ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग इंटू 3, मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है, तो 5 3 टाइम आपका क्या आ जाएगा, 5 5 5 आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। एक्स है 69, एल इक्वल टू 10, 20, 30, 40, फिर इधर दिखाया गया है एल टी 22 इंटू 25, जो एक्सटेंड होता है, एक ये मेथड होता है, ये क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर सकता है लास्ट से, मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर सकता है लास्ट से, ठीक है, तो प्रीवियस लिस्ट थी 10, 20, 30, 40, उसमें ऐड कर दिया 22 और 25 को, तो जो ऐसा है वही सही आंसर है, यस ए इज द राइट आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अपेंड क्या करता है, अपेंड और एक्सटेंड में भी कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, अपेंड एक एलिमेंट को ऐड कर सकता है, एक्सटेंड क्या कर सकता है, मोर देन वन एलिमेंट को ऐड कर सकता है, ठीक है, तो दो चीजें हैं। ओके 70 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था, एल इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 3, ठीक है, तो ये कह रहा एल डॉट रिमूव 3। अब आप सोच रहे होंगे सर पॉप और रिमूव वाली बात फिर से आ गई है, ठीक है, पॉप में क्या होता था कि आप इंडेक्स से वैल्यू को डिलीट करते थे, और रिमूव से आप क्या करते हो, वैल्यू वाइज डिलीट करते हो, ठीक है, तो ये कह रहा है 3, तो 3 अगर डिलीट होगा तो फर्स्ट अकरेंस में जहां इसको 3 मिलेगा वो डिलीट हो जाएगा, तो मतलब ये वाला 3 डिलीट हो जाएगा, इंडेक्स से नहीं देख रहा है अभी, ये अभी एलिमेंट से डिलीट करता है, वैल्यू वाइज डिलीट करता है, तो जो आपकी अब बची प्रिंट लिस्ट वो बची 1, 2, 4, 5, 3, तो ऐसा है कहीं 1, 2, 4, 5, 3, तो सी इज द राइट आंसर। 71 क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डैश इज ए लॉजिकल इंस्ट्रक्शन विच पाइथन इंटरप्रेटर कैन रीड एंड एग्जीक्यूट, एक्सप्रेशन को रीड करता है, स्टेटमेंट कमेंट नहीं करता है, इंडेंटेशन को रीड करता है, अगर आपकी कहीं इंडेंटेशन प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट एरर दिखा देता है, इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ जाता है, तो किसको रीड करता है, इंडेंटेशन को रीड करता है, क्योंकि प्रीवियस लैंग्वेज जो थी कर्ली ब्रेसेस को सपोर्ट करती थी, पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इंडेंटेशन आंसर होगा। 72, इंडेक्स ऑफ डैश रेफर्स टू फर्स्ट एलिमेंट, जैसे आप कोई भी पढ़ते हैं, लिस्ट पढ़ते हैं, टपल पढ़ते हैं, उसका पहला एलिमेंट क्या होता है, वो जीरो पोजीशन में होता है, तो एक आसान सा क्वेश्चन था ये। 73, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट अकरेंस ऑफ गिवन एलिमेंट ऑफ लिस्ट, किससे होता है, लेंथ से, तो पूरी लेंथ कैलकुलेट होती है, सम से हम ऐड कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को, तो वो फंक्शन होता है काउंट,
एक्सटेंड से क्या करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। काउंट से क्या करते हैं, हम अकरेंस ऐड कर सकते। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है एल नाम की, मैंने इसमें लिया है 1, 2, 3, 3, 2, 3। अब मैं चाहता हूँ कि काउंट करके बताओ 3 कितने टाइम आ रहा है मेरी लिस्ट में। अगर मैं देखूँ ये 1, 2, 3, तो अकरेंस काउंट करके बताता है कि आपका 3, 5 या 7 कोई भी नंबर कितने टाइम आ रहा है, तो उसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो काउंट ऐसे काम करता है। नेक्स्ट है 74। यू कैन रिपीट द एलिमेंट्स ऑफ द टपल यूजिंग विच ऑपरेटर्स। ठीक है, ये कह रहा है यू कैन रिपीट या रेप्लीकेट द एलिमेंट ऑफ टपल यूजिंग विच ऑपरेटर। अब देखो मल्टीप्लाई होता है रेप्लीकेशन के लिए, प्लस होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए, नहीं हो सकता है। ये होता है एक्सपोनेंट, नहीं हो सकता है। ये होता है मॉड्यूलस, ये भी नहीं हो सकता है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ए मल्टीप्लाई। अगला है 75। 75 है डी वन ए बी सी 5, डिक्शनरी है डी एफ 6 जी एच आई 7। तो इसमें दिया गया प्रिंट डी वन 0। अब देखो फिर से मैंने आपको बताया था जो डिक्शनरी होती है इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं, यहाँ पर जो आप एलिमेंट को एक्सेस करेंगे इंडिविजुअली वो की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो आपने की तो नहीं डाली, इंडेक्स डाल दिया, तो क्या आएगा, एरर आएगा, डेफिनेटली कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान से पढ़ना है आपने और तभी आंसर देना है। 76 क्वेश्चन, इसमें लिखा है str1 इक्वल टू 659.31, स्ट्रिंग है ये, तो प्रिंट str1। देखो आप अगर कोई भी, सपोज आपने a इक्वल टू लिखा है 10 और आप प्रिंट करा देते हैं डबल कोट्स में a, अगर आप डबल कोट्स में ए करा दे रहे ना, वो खाली डबल कोट्स में रख दिया, वो अभी इवेल्युएशन नहीं कर रहा है, वहां पर मल्टीप्लाई आपका काम नहीं हो रहा है, वो जैसा लिखा है वैसा ही एक मैसेज डिस्प्ले करा देगा। तो आपने str1 को डबल कोट्स में रख दिया, अगर आप डबल कोट्स में रखेंगे तो आपकी वो वैल्यू नहीं आएगी, तो आपको जो मैसेज डाला था वही आएगा, तो जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, वैसे दिया गया जो था 659.31 दिया गया था str1 को, बट प्रिंट डबल कोट्स के अंदर लिख दिया str1 को, तो ये एज ए मैसेज की तरह काम कर रहा है, अभी यहाँ पर एज ए वेरिएबल की तरह काम नहीं कर रहा है, तो str1 यहाँ पर आंसर आएगा, तो आपने ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, बहुत सही चीज है, ये तो होती है। कैपिटलाइज फंक्शन इन स्ट्रिंग इज यूज टू रिटर्न स्ट्रिंग बाई कन्वर्टिंग द होल गिवन स्ट्रिंग इन टू अपर केस, ऐसा तो नहीं होता है भाई। लोअर फंक्शन इन स्ट्रिंग इज यूज टू रिटर्न ए स्ट्रिंग बाई कन्वर्टिंग द होल गिवन स्ट्रिंग इन टू लोअर केस, ये तो हो सकता है, नन ऑफ द अबव, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। 78 क्वेश्चन, वट विल बी द फॉलोइंग पाइथन कोड रिटर्न। ठीक है, ये कह रहा है str1 स्टैक ऑफ बुक्स प्रिंट लेन, जो लेन है ये काउंट करता है, जैसे आपने एक लिस्ट ली ऐसी 1, 2, 3, 4, 5, आपने लिखा लेन, इसका नाम आपने रख दिया टी। ठीक है, आपने लिखा लेन टी, तो ये काउंट करके बताता है इसमें कितने कैरेक्टर है, तो इसमें कितने कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है। तो अगर यहाँ पर मैंने लेन लिखा है तो उसको ये काउंट करने का काम करेगा। अब काउंट कैसे करेगा, देखो स्टैक में कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर हैं, ऑफ में कितने हैं, 2 हैं, बुक्स में कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो 5, 5, 10 और 2, 12 हो गया। अब एक चीज का और ध्यान रखना, स्पेस भी काउंट होता है, एक स्पेस यहाँ का हो गया 13 और एक स्पेस इधर का हो गया 14, तो 2 और ऐड कर दो 14, तो जो आपका आंसर निकल जाएगा वो बी होगा, 14 इज द राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिस्ट है इसके पास 34.89 है, फिर मैंने क्या है प्रिंट एल इन टू 3, रेप्लीकेशन हो रहा है तो 3 टाइम रिपीट होगा, 34.89, 34.89, 34.89, बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स, 80 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल द गिवन लूप आइट्रेट, लूप कितने टाइम आइट्रेट होगा। देखो अब यहां पर हम देख सकते हैं मेरा लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है और 24 तक चलेगा, क्योंकि इक्वल टू 25 लगा होता तब तो क्या होता, तब 25 तक चलता, अब यहां पर इक्वल नहीं लगा है,
और गैप भी एक का है, मतलब ऐसे चल रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कहाँ तक, 24 तक चल रहा है। तो जो मेरा लूप चलेगा वो 25 टाइम चलेगा, बिकॉज जो मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो जा रहा है। अगर मैं 0 से 24 तक काउंट करूं तो वो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा बी। तो गाइज ये थे हमारे 80 क्वेश्चन रिवीजन टूर के ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।